नमस्कार, सबसे बड़ा अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। अजान, जय हनुमान और लाउड स्पीकर। महाराष्ट्र से शुरू हुआ घमासान मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के रास्ते होते हुए वापस महाराष्ट्र पहुंच गया है और इस घमासान की शुरुआत करने वाले राज ठाकरे महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर जोर शोर से भाषण भी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 3 मई यानी कि ईद के दिन की डेडलाइन भी रखी थी और अपने समर्थकों से कहा था कि इसके बाद से वो अजान के वक्त लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करें और बुधवार को लाउड स्पीकर उतरवाने रोड पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने उन मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की जहां लाउड स्पीकर लगे थे। पुलिस ने बड़ी संख्या में मनसे कार्यकर्ताओं को पकड़ा। सुबह से दोपहर तक हाई वोल्टेज ड्रामा भी चलता रहा और इसके बाद राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगे की रणनीति पर ऐलान किया। राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि उनका विरोध किसी धर्म विशेष के खिलाफ में नहीं है, ये विरोध धार्मिक नहीं है बल्कि सामाजिक है। लाउड स्पीकर से दूसरों को दिक्कत होती है, अगर गलत तरीके से लाउड स्पीकर मस्जिदों और साथ ही मंदिरों में लगे हैं तो उनको भी उतरवाना चाहिए। हम किसी भी धार्मिक स्थल पर नियमों को तोड़ने वाले लाउड स्पीकर के पक्ष में नहीं है। लाउड स्पीकर से अजान के मुद्दे को अब उन्होंने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे से जोड़ दिया है और बुधवार को उन्होंने ट्विटर पर बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया। इसमें बाला साहब ठाकरे भी लाउड स्पीकर से होने वाली नमाज का विरोध कर रहे हैं। राज ठाकरे की चेतावनी के बाद में मुंबई में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है और पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कुछ जगहों पर नाकाबंदी भी कर दी गई है और गाड़ियों की जांच भी की जा रही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की बढ़ती सक्रियता को शिवसेना के लिए असहज स्थिति बताया जा रहा है। एक वक्त था जब शिवसेना मराठी अस्मिता के साथ आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करती थी, लेकिन अब उसके तेवर बदल गए हैं। ऐसे में राज ठाकरे लगता है कि किसी तरह अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें ये मौका दिख रहा है शिवसेना के गठबंधन सरकार में शामिल होने से खाली हुई जगह को भरना चाहते हैं, इसलिए वो अपने चाचा बाला साहब ठाकरे को आदर्श मानकर और उनके राजनीतिक पदचिन्हों पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी लाउड स्पीकर एक ऐसा मुद्दा है जो कि उनमें लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सो कॉल्ड हिंदुत्व प्रेमी की लिस्ट में रखने में मदद भी करेगा, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या राज को मोहरा बनाकर बीजेपी साध रही है अपनी राजनीति? क्या राज ठाकरे के आगे शिवसेना की बत्ती हो रही गुल और लाउड स्पीकर पर ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई आखिर क्या मोड़ लेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। आज 4 तारीख हैं, 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउड स्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर के बारे में कुछ लोगों ने विवाद शुरू किया उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। बात सिर्फ मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर की नहीं है, आज महाराष्ट्र के बहुत से जो मंदिर है बड़े, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु जाते हैं सुबह की आरती के लिए, जहाँ हम काकड़ आरती कहते हैं, इसके लिए मंदिर में बहुत कम लोगों को प्रवेश मिलता है, लेकिन बाहर आजू बाजू के गाँव में हजारों लोग उस आरती के आनंद लेने के लिए
जागते हैं उठते हैं। लाउडस्पीकर के ऊपर मचे बवाल के पर अब कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं, पहले उनका जिक्र कर लेते हैं उसके बाद में फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लाउडस्पीकर पर वार, ठाकरे परिवार में रार, राजमोहरा कौन असली चेहरा, क्योंकि लगातार अब सवाल। पहले उड़कर पर ट्रू हुआ घमासान, ठाकरे के बोल क्या भोपू का थमेगा शोर, अजान बनाम चालीसा स्पीकर पर जारी फसाद, और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, धनंजय गिरी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, और साथ ही आगा यूनस जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। संजय द्विवेदी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता शिवसेना से है, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, रुद्र विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, और साथ ही पीयूष पंत जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में संजय जी आप ही के साथ में करूंगी कि एक वीडियो जारी करके आईना दिखाने की कोशिश की गई है, ट्विटर पर वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, मुझे लगता है देखा तो आपने भी होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं 2005 का हस्बैंड है वो मेरे हाथ में है, जिसको लेकर माननीय राज ठाकरे जी इतने ज्यादा उत्तेजित है, इतने ज्यादा खोते हुए है। मैं इसे बता दूंगा आपको, 2005 का जो हस्बैंड था तो इसलिए दिया गया कि एक जगह भजन कीर्तन हो रहे थे, उसकी बगल में लड़की थी 13 साल की, उसको फैटनिंग हुई, ट्रेवलिंग चक्कर में उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो उसकी भजन कीर्तन की तेज आवाज में हो रहे थे, जिसकी वजह से उस लड़की ने उस लड़की का शोर को नहीं सुन पाया, तो उसमें जिसकी गई जिसका फसल 2005 में आया। इसमें स्पष्ट चीज निकली है कि आप जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में डिसिप्लिन के हिसाब से आप अपना काम करेंगे। दूसरी चीज में गई है 10 से 12 ग्राम लड़की को बजवाना है तो 15 दिन की उसमें लिमिट होगी मैक्सिमम, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी। आज मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ माननीय राज ठाकरे जी से आपके माध्यम से, जो वो कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने और मस्जिद मस्जिद से कहीं से भी लाउडस्पीकर हटाने का कहीं भी निर्णय नहीं दिया गया, कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखा, इस पर नहीं लिखा हुआ है। मस्जिद एक जगह से शब्द आया है, उस पर मस्जिद का शब्द नहीं आया है, टोटल आया है कि जो लाउडस्पीकर भजन की। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत पहले ही साफ कर दिया था कि रात को 10 बजे के बाद सुबह लाउड स्पीकर करेंगे, लेकिन उसके बाद 2 हैं, लेकिन उस एक बड़ा सा और उसी जिक्र तो आप भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी 135 से ज्यादा मस्जिदें ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर सुबह की नमाज पढ़ी जाती है और साथ ही लाउड स्पीकर भी उस दौरान बजते हैं, तो ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन होगा। मेरी आवाज संजय जी तक नहीं पहुंच पा रही है। धनंजय जी, बीजेपी का स्टैंड थोड़ा साफ कीजिए आप। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, बीजेपी चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका पालन हो, और हम कुछ नहीं चाहते। जो आप महाराष्ट्र की आज बात कर रही हैं, उसमें महाराष्ट्र पे मैं बताऊंगा कि सत्ता ने शिवसेना को सौसेना बना दिया है, कान फोड़ू अजान की आवाज राष्ट्र से निकलकर अब महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। हिंदुत्व की आरती उतारकर महाराष्ट्र की सत्ता प्राप्त करने वाली सेना सत्ता के सामने हथियार डाल चुकी है। सबका साथ और विश्वास केवल अकलियत का, केवल मुसलमान का, एक धर्म के अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में शिवसेना आज पड़ चुकी है। महाराष्ट्र का हिंदू समाज आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। महाराष्ट्र की हिंदू जनमानस आगामी चुनाव में जमकर आरती उतारने वाली है। हिंदुत्व शिरोमणि बाला साहब ठाकरे की आत्मा भी रो रही होगी अपने लाल कुल देखकर। ठाकरे के लाल सत्ता बाजार में सियासत के शेयर खरीद बेच रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाबा साहब ने जब खुद ही भी स्पीच दिया था, हिंदू हृदय की बात कही थी, हिंदू जनमानस की बात करते थे, और आज उनके लाल क्या कर रहे हैं,
सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, एक अलग बात कर रहे हैं। ये मुद्दा जब भी उठा था जब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ में गठबंधन था और देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी ये मुद्दा गरमाया था। आपकी पार्टी की सरकार थी उस वक्त, तो आपने इसको लेकर किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब जब आपकी पार्टी की वहां पर सरकार नहीं है तो आप तो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके मुद्दे को अब लपक लिया जाए। अमनदीप जी, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार कितना बेहतरीन काम कर रही है इसकी नजीर पूरे देश में पेश की जा रही है। सर, योगी जी ने जो किया है, और जहां जहां हमारी सरकारें हैं, आज हम 2022 में हैं सर, इससे पहले आपकी पार्टी की सरकार रही वहां पर, उस आदेश का पालन तब क्यों नहीं किया गया? अब सवाल बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं। अमनदीप जी, जो काम कल नहीं हुआ वो कभी नहीं किए जाएंगे। जब जागो तभी सवेरा है। जब जिस कार्य की का मुहूर्त आता है, जब जिस कार्य का समय आता है, जब जिस कार्य को करना होता है, जब जिस कार्य को की शुरुआत होती है, उस कार्य को संपन्न किया जाता है, उस कार्य को राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में और मनुष्यता के हित में, मानवता के हित में, इस प्रदूषण से, इस कानफोड़ू से, ठीक है, जब बीजेपी ने शुरुआत कर दी तब उस कार्य की शुरुआत होगी, उसके बाद में काम को पूरा किया जाएगा। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास में। संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। संजय जी, इससे पहले आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, मैं चाहूंगी अपनी बात पूरी कीजिए। इनकी 17 राज्यों में सरकार है, इनकी 17 राज्यों में सरकार है। ये पहले गुजरात मॉडल चल रहा था, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही आपको? जी सर, आवाज आ रही है। पहले चल रहा था गुजरात मॉडल, अब ये यूपी मॉडल बता रहे हैं। 17 राज्यों में सरकार है और 8 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में है, तो जो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो फॉलो क्यों नहीं किया गया? और 17 राज्यों में बता दें, 17 राज्यों में कहां इनका फॉलो हो रहा है? और यूपी की बात कर रहे हैं, आप मुझे महाराष्ट्र का बताइए। 2005 में फैसला आया ना सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में 135 मस्जिदें अभी भी हैं जहां पर सुबह की नमाज अदा की जाती है, तो वहां पर लाउड स्पीकर से ही आवाज गूंजती है आसपास के पूरे क्षेत्र में। कहां हो रहा है आदेश का उल्लंघन? मैं वही तो कह रहा हूँ 2014 से लेकर 2019 तक सरकार रही, 2005 का जजमेंट था और संविधान को मानने वाले, कानून के मानने वाले भारतीय जनता पार्टी ने वो कानून क्यों नहीं देखा? आज 2.5 साल से सरकार सी चल रही है और बराबर ये कहीं ना कहीं अपना प्रयास करते हैं। आज इन्होंने राज ठाकरे जी को अपने साथ लेकर, तो हम तो फिर राज ठाकरे जी किसी भी उससे हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन दंगा भड़काने की कोशिश, नॉन ऑर्डर खराब करने की कोशिश, भाई उसमें मस्जिद अकेले नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मस्जिद अकेले नहीं है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सब कुछ उसमें दिया हुआ। तो आपने मस्जिद को लेके सबसे पहले बवाल काटना क्यों शुरू किया? और उसमें कहीं लाउड स्पीकर हटाने की बात नहीं लिखी है, उसमें कहीं लाउड स्पीकर हटाने की बात नहीं लिखी है, उसमें लिखा है परमिशन से आप बजा सकते हैं। तो जो जो काम करने जा रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़कर, कि जब हम तेज आवाज में, दुगनी आवाज में लाउड स्पीकर बजाएंगे, अब तो उससे जो वहां की जनता है उसको दिक्कत नहीं होगी क्या? संजय जी, बाल ठाकरे जी का एक वीडियो भी शेयर किया गया है ट्विटर पर, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा। अब जो बातें उनकी तरफ से कही गई थी उनके रहते हुए, वो तो आपकी पार्टी का अभी भी एजेंडा होगा ना, या फिर एजेंडे से हटा दिया गया? वीडियो में साफ कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है महाराष्ट्र में तो फिर लाउड स्पीकर्स हटाए जाएंगे, वो तो सुना होगा आपने भी वीडियो। अरे भाई, आप एक चीज मुझे बताइए, हम कानून से बड़े हैं क्या या संविधान से बड़े हैं हम क्या? तो अगर 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 हटाने की बात है तो पूरे देश में लाउड स्पीकर बज रहे हैं सर, तो उसको अध्यादेश लेके आ जाए माननीय प्रधानमंत्री जी, हम कहां मना कर रहे हैं? भाई माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, अगर माननीय भारत ठाकरे की इज्जत करते हैं, उन्होंने कहा था कि सर लाउड स्पीकर हटने चाहिए, तो अब तो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ना, एक अध्यादेश लिया है कि पूरे देश से जो मस्जिदें हैं उनसे लाउड स्पीकर हटा दिए जाए, हटा दिए जाएंगे। अब कानून कह रहे हैं, कानून कह रहे हैं कि साहब उसमें एक डिसमल से ध्वनि नियंत्रण करिए आप, संजय जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2005 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये आपको जानकारी होगी। सुबह 5:00 पर नमाज होती है, 135 मस्जिदें ऐसी बताई जा रही हैं जिस पर लाउड स्पीकर से नमाज हो रही है। अब वो तो उसी टाइमलाइन के अंदर आया ना, उसमें तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हो रहा है।
नहीं नहीं मैं तो आपको कह दो रहा हूँ कि भाई जो ये जो सुप्रीम कोर्ट आदेश है 2005 से चलता रहा, 2014-2019 से सरकार रही, तब इन्हें इम्प्लीमेंट कराने की चिंता नहीं थी। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, आपकी पार्टी उस आदेश के चलते कार्रवाई करेगी या नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं होगी कार्रवाई, जो सुप्रीम कोर्ट आदेश सबको मानना पड़ता है, ठीक है, तो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है ना। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है पूरे देश के लिए लॉ ऑफ लैंड होता है, तो वो तो हमें मानना है, कोई मानने मना नहीं कर सकता है। हम कैसे आप सामने डिबेट में कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, लेकिन सत्रह राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पे इसका पालन होगा कि नहीं होगा, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। सत्रह राज्य इनके भी तो है वहाँ पे, इसका इसका सर इसका जवाब मैं लूंगी। ठीक है सर, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, भाई गुजरात मॉडल था, गुजरात में क्या हुआ मुझे बता दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत संक्षिप्त में धनंजय जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, क्या बाकी के जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर इस आदेश का पालन होगा? अमनदीप जी, जो भी कानून और संविधान का आदेश है उसको बिल्कुल पालन होगा, सुप्रीम कोर्ट का पालन का बिल्कुल अनुपालन किया जाएगा। मैं शिवसेना के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे संक्षेप में जवाब दें, क्या वो बाला साहब ठाकरे की, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की बात से सहमत हैं या असहमत हैं? असहमत हैं तो बता दें, सहमत हैं तो बता दें। अरे मैंने कहा अब कानून से बड़े सुना नहीं ना, कानून से बड़ी शिवसेना नहीं, अगर मानी बाला साहब ठाकरे का इतनी इज्जत करते हैं, उनको भारत रत्न नहीं दे पाए, तो मैं तो चाह रहा हूँ आपसे एक बात, भारत रत्न नहीं दे पाए आप, आप दोनों को आगे मौका दूंगी, लेकिन बाकी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख करना है। रुद्र विक्रम जी, 2005 में ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और 2022 में इसको लेकर राजनीति हो रही है, आखिर क्या मायने? देखिए मैं एक बात कहूंगा, जो ये कह रहे हैं अध्यादेश लेके आइए, अध्यादेश लेके आइए, इनको मैं बता दूं कि 2005 सेशन कंट्रोल एक्ट 2000 जो देश में लागू है वो सन 2000 से लागू है, 2002 में उसमें अमेंडमेंट हुआ, तो सन 2000 से ही लागू है उसका सेक्शन 5। अगर ये इनके पास समय हो और थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो ये देख लें, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप लाउड स्पीकर का प्रयोग तभी करेंगे विद ड्यू सिस्टम, आपको अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होगा तभी आप लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकते हैं, अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं सर, ऑलरेडी कानून है, नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 आप पढ़ लीजिए, उसमें ऑलरेडी कानून है, एक कानून है तो एक कानून फिर अध्यादेश नहीं ला सकता, एक कानून 10 बार नहीं आएगा, उस कानून को पालन करने की जरूरत है। मेरी बात सुनिए, दूसरी हो रही है, आप कह रहे हैं कि अध्यादेश ले आइए, लाउड स्पीकर या पीए सिस्टम अगर आप कोई यूज कर रहे हैं तो आपको अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, परमिशन के बाद ही आप लाउड स्पीकर का यूज कर सकते हैं, और 10-6 ऑलरेडी बैड है। अरे तो आप बात नहीं सोच पा रहे, लाउड स्पीकर हटाने की बात हो रही है, मैं तो पूछ रहा हूँ परमिशन से, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है परमिशन लीजिए और लाउड स्पीकर बजाइए, मैं तो खुद कह रहा हूँ, लेकिन तो परमिशन किस किन स्थितियों में, अरे परमिशन किन स्थितियों में लेना है, और 10-6 तो ऑलरेडी बाहर है, आप पांच बजे बजाने लगते हैं, और शिवसेना को क्या जरूरत पड़ रही है लाउड स्पीकर बजवाने की, आप कब से बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को भूल गए, आपको क्यों जरूरत पड़ी लाउड स्पीकर बजवाने की? अरे हम सिद्धांत नहीं बोले, सिद्धांत आप भूले पड़े हैं, राजी चक्कर में आप जबरदस्ती सिद्धांत जाते, भारत रत्न दिलवा दीजिए, क्यों नहीं भारत रत्न दिलवा पा रहे हैं आप, जैसे आपने राणा को जेल में डाला वैसे राज ठाकरे को आप जेल में डाल दीजिए, अगर आपको इतना ही लगता है कि राज ठाकरे न्यूसेंस फैला रहे हैं महाराष्ट्र में, आप राज ठाकरे को उठा के जेल में डाल दीजिए, अरे राणा ने तो सिर्फ कहा था कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये तो जाके उतरवा रहे हैं और बकायदे पढ़ रहे हैं, नहीं उन्होंने तो सिर्फ कहा था हनुमान चालीसा पढ़ी गई, उन्होंने तो सिर्फ कहा था उनको जेल भेज दिया, चालीसा सुनाई दे रही थी सर, फिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया, क्यों कार्रवाई नहीं की गई, आज आपके कार्यकर्ता नहीं पहुंचे उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने? मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए फिर मैं आपके पास जवाब दे रहा हूँ। राणा जी ने कोर्ट ने भी कहा कि मीडिया सामने नहीं जाएंगे, क्यों कहा उन्होंने, जो उरूल जुनून उन्होंने बातें कही हैं जिससे माहौल खराब हो सकता था, तो एक मुख्यमंत्री पद होता है, प्रधानमंत्री पद होता है, संवैधानिक पद होता है ना, आप उरूल जुनून बातें करेंगे तो कानून अपना काम करेगा, उसमें कौन सी बात है,
ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन जरूर हो रहा है। कपीश जी, मैं आपका रुख करूंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की और कानून की जानकारी आप भी काफी अच्छे से रखते हैं, आप बताइए क्या सिर्फ ये एक राजनीति या फिर वाकई में जनता के हित में सोचा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से? सर लौटूंगी आपके पास में, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। कपीश जी, देखिए एक बात बहुत सीधी सी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दी, उस वर्डिक्ट में उन्होंने ये कहा कि यंत्र रेगुलेशन के तहत लगेगा और उसकी जो आवाज है वो 7 डेसिबल से ज्यादा की नहीं। अब रेगुलेशन में कौन कौन से, किस किस मस्जिद के मंदिर पे, किस किस गुरुद्वारे पे, किस किस चर्च पे है, ये तो सरकार जांच करेगी, अथॉरिटी सरकार के पास है। हम और आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम और आप निष्पक्ष अथॉरिटी नहीं माने जाते हैं। हम लोग मान लीजिए तो हम लोग तो राजनीति कर, मैं तो एक बात सीधी बात कह रहा हूँ कि अगर सकारात्मक भूमिका किसी को निभानी हो विपक्ष की, तो आप उत्तर प्रदेश को का उदाहरण ले लीजिए जिसको आप मॉडल बता रहे कि योगी राज में अगर इस फैसले को लागू किया गया और ध्वनि विस्तारक यंत्र उसी तरीके से मस्जिद पे प्रयोग हुए, उसी तरीके से मंदिर पे प्रयोग हो रहा है, एक साथ वो कर रहे हैं रेगुलेट, तो समाज उसमें कोई आपत्ति नहीं कर रही। हम ना किसी के यहाँ जाकर के नमाज पढ़ रहे हैं और ना कभी किसी के यहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये देश का मुद्दा ही नहीं है। राज ठाकरे साहब एक अंतिम पादान पे जाके खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको मोहरा बना रही और भारतीय जनता पार्टी जहां जहां विपक्ष में है वो लाउड स्पीकर और बुलडोजर को ही अपना एजेंडा बनाएगी, इसलिए बनाएगी कि उसे सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का दंभ है पूरी तरीके से। और दूसरी चीज ये है कि वो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे सरकार के खिलाफ खड़ा कर दे, इसकी महारत है भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि आप पूरे देश में उठा के देख लीजिए कि अगर ये सारी बातें हो रही तो महाराष्ट्र में ही क्यों हो रही है, राजस्थान में ही क्यों हो रही है, दिल्ली में ही क्यों हो रही है, बिहार में क्यों नहीं हो रही है? बिहार में तो नीतीश कुमार ने कह दिया लाउड स्पीकर कोई मुद्दा ही नहीं है, चीज है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, ऐतराज राजनीतिक है, हम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इनको तो पहले अपने मित्र के साथ वहां पे ये चला रहे हैं सरकार, वहां पर रेगुलेट करवावे। उत्तर प्रदेश में हमारे जैसे सकारात्मक विपक्ष जैसे हम हैं, वैसे अन्य जगहों पे आप बढ़िए और दूसरे सत्ता पक्ष का साथ वहां वहां दीजिए जहां उसकी नीतियां सही हैं। आप बेरोजगारी पे आवाज उठाइए, आप लॉ एंड ऑर्डर पे आवाज उठाइए, आप महंगाई पे आवाज उठाइए, आप वहां पे राजनीति करने के लिए सकारात्मक राजनीति है, क्यों नहीं करना ठीक है? कपीश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ही ये मुद्दा बुनाया जा रहा है ताकि बीजेपी को फायदा मिल सके, इस पर लूंगी मैं जवाब। लेकिन उससे पहले पीयूष जी, आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए पूरे मामले को लेकर कि राजनीति अब हो रही है 2022 में, फैसला है 2005 का, आखिर क्या इसके राजनीतिक मायने हैं? देखिए अमन जी, ये मुझे तो बहुत दुख होता है कि मतलब इस देश में जहाँ पे बेरोजगारी लगातार रही हो, 54 करोड़ जो लोग हैं युवा हैं उन्होंने नौकरी जो है कि खोजना ही बंद कर दिया है हताशा के चलते, क्योंकि नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं, जहाँ पिछले 5 साल में 2 करोड़ 1 लाख नौकरियाँ चली गई हों, जहाँ महंगाई का स्तर जो है कि आप देखिए हर किसी की जेब काट रहा हो, और जहाँ आपका जो है कि जिस जो देश लगातार जो है कि भुखमरी के सूचकांक में पीछे खिसकता चला जा रहा है, वो नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे चला जा रहा है, और जो अभी वर्ल्ड प्रेस डे था और वहाँ एक आंकड़ा आया है कि भारत जो है कि फ्रीडम जो प्रेस फ्रीडम के मामले में भी और पीछे खिसक के 110वें पादान पे पहुँच गया है, और इसीलिए जो है और क्यों पहुँच गया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है जर्मनी में भी वहाँ कह देते हैं वहाँ के अधिकारियों से कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि सवाल पूछा जाएगा जो इस देश में हो रहा है, जहाँ बेरोजगारी जो बढ़ रही है, जिस तरह से जो है कि हिंसा की वारदातें बढ़ रही हैं, सांप्रदायिकता की घटनाएँ बढ़ रही हैं, उस पर तमाम सवाल पूछे सकते हैं, फॉरन मीडिया भी पूछ सकता है और इंडियन जो वहाँ पे मीडिया के लोग हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो ये जो है ये मैं कहूँगा कि ये अपनी असफलताओं से मुंह छिपाने के लिए जो है इस तरह के मुद्दे जो है फोरफ्रंट में लाए जा रहे हैं, क्योंकि न तो अजान कोई मुद्दा है, न तो जो है कि आप देखिए हनुमान चालीसा कोई मुद्दा है। अजान पहले भी होती थी निश्चित रूप से, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है
जिसका पाल जिसके पालना होनी चाहिए, लेकिन उसमें वही बात है कि जो कहा जा रहा है हटाने की बात नहीं है, डिसेबल लेवल कम करने की बात है, और 2005 का ये आदेश है। तो ये भी सवाल उठता है कि जैसे आपने कहा भी कि आखिर पहले ये 2005 में क्यों नहीं इन बातों को किया गया, आज क्यों? तो आज इसीलिए हो रहा है कि सरकार की चहुदिशा जो है असफलता जो हो चुकी है उसकी, वो उसको छिपाने के लिए जो है सरकार इस तरह के मुद्दों को ला रही है ताकि सीधे सीधे ध्रुवीकरण हो और उसको जो है कि आने वाले चुनावों में भी फायदा हो, उसको हिसाब जनता को इस पे ना देना पड़े कि हमने कितनी नौकरियां दी, हमने कितने 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 उद्योग लगा दिए। छुपाने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा दी जा रही है ताकि कहीं ना कहीं तुष्टिकरण की राजनीति की जाए और राजनीतिक पार्टियों को इसका सीधा फायदा हो। धनंजय जी, बीजेपी पर लगातार तुष्टिकरण के आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बीजेपी पर तुष्टिकरण के आरोप, किसका तुष्टिकरण? बीजेपी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इससे पहले कपीर जी ने जो सवाल उठाया वो सवाल भी वाजिब है ना कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं नहीं, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, आरोप कहीं ना कहीं बीजेपी पर लग रहे हैं। इससे पहले भी राजस्थान में जो हुआ उसको लेकर भी सवालिया निशान बीजेपी पर खड़े हो रहा था, और उसके बाद में अब महाराष्ट्र को लेकर भी, और इससे पहले जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि देवेंद्र फडणवीस जब वहां के मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था, लेकिन उस वक्त बीजेपी का कोई इतना ज्यादा रिएक्शन सामने नहीं आया था। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार नहीं है महाराष्ट्र में, तब बीजेपी इसको लेकर तमाम बयानबाजी कर रही है, सवाल उठा रही है सरकार पर। देखिए महाराष्ट्र की अगर हम अंदीप जी बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने नहीं, बीजेपी तो सिर्फ कानून का, संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में विश्वास रखती है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, नवनीत राणा और उनके पति जेल गए हनुमान चालीसा पढ़ने के आरोप में, उसके बाद राज ठाकरे जी ने बाल ठाकरे जी का, आदरणीय बाल ठाकरे जी का वीडियो क्लिप जारी किया है जिसमें बाल ठाकरे जी कहते हुए दिख रहे हैं। अब शिवसेना ये बताएगी ना कि वो बाल ठाकरे को मान रही है या कि कांग्रेस के शरणागत हो गई है, सोनिया मैडम के शरणागत हो गई। शिवसेना अब सोनिया सेना बन गई है, शिवसेना सौसेना बन गई है। सत्ता के बाजार में शिवसेना ने अपना भाव बदल दिया है, शेयर बाजार में चली गई है सत्ता के। शिवसेना का चरित्र क्या है, शिवसेना का चरित्र कैसे बदल रहा है, शिवसेना की सरकार कैसी कर रही है? और जो आप राजस्थान की बात कर रही है, तुष्टिकरण कांग्रेस के डीएनए में है, तुष्टिकरण कांग्रेस शुरू से करती आई है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स से कांग्रेस की शुरुआत होती है, और इसी कारण से राजस्थान में जो है हिंसा है बड़े पैमाने पर हो रही है और लगातार होती जा रही है। अभी 300 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर को तोड़ा गया है वहां पे। तो राजस्थान कांग्रेस की सरकारें हैं वो तुष्टिकरण की काम करते रही, हमारी सरकारों ने शुरू से लेकर आज तक और अभी भी हम लोग एक ही बात कहते हैं और सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण है, हम राष्ट्र के एक एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, एक एक जन की बात करते हैं, जनतंत्र की बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान में हमारी गहरी आस्था है, इसलिए हम एक एक व्यक्ति का, धनंजय जी, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को तो मानती है ना, सुप्रीम कोर्ट को तो मानती है, और जो 135 मस्जिदों पर ये बात कही जा रही है कि वहां पर अजान हो रहा है, अजान की जा रही है सुबह के वक्त में, वो आज से नहीं, वो पिछले न जाने कितने सालों से हो रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया लॉ एंड ऑर्डर का बीच है, ये पालन करना तो स्टेट का काम है। अब जिन स्टेट्स में उसका पालन नहीं हो रहा है वहां की राज्य सरकारें जवाब दे हैं कि वहां क्यों नहीं हो रहा है, वहां बिल्कुल पालन होना चाहिए। और बल्कि अमनदीप जी मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर इस देश के जिम्मेवार शहरी को, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो, किसी को भी अगर जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई, एक कानून आ गया, तो खुद ही उतार के रख देना चाहिए या उसका डिसिप्लिन कम कर देना चाहिए। अब जो राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही हैं, वो इसमें भी हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, इसमें भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स देख रहे हैं, इसमें भी तुष्टिकरण कर रही हैं, वो सरकारें दोषी हैं, वो सरकारें जिम्मेदार हैं। इस देश का बहुसंख्यक समाज ये सारे ड्रामे देख रहा है, समय आने पर उसका यथोचित जवाब दे देगा। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है और वहां पर लाउड स्पीकर को लेकर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसको लेकर मैं आगे आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले संजय जी को सुन लेते हैं। संजय जी, कहता हूँ 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बिहार के मुख्यमंत्री ने मना ही कर दिया, अब बाकी राज्यों में आवाज आ रही क्या?
जी सर, आ रही आवाज। हेलो जी, आवाज आ रही। मैं कह रहा हूँ बाकी 17 राज्यों में सुबह की भी नमाज हो रही है, वहाँ पर इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान जो भी बात की जा रही थी ना, बेरोजगारी पे ध्यान है, न महंगाई बढ़ रही उस पर ध्यान है, सबका साथ सबका विकास सबका साथ ये तो उनको चाहिए, लेकिन महंगाई जो बढ़ रही है जिससे आज आदमी। हेलो सर, प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, आज महंगाई से लोग परेशान है, कौन किसको देखना है ये। और जो बात कह रहे हैं कि जो 17 राज्य इनके जो है वहाँ पे आप उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, तो मेरी नमाज वहाँ भी हो रही है। आप गुजरात में देख लीजिए, आप भी वही सवाल उठा रहे हैं। इसको लेकर मैं लूंगी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ पे जुड़ गए हैं। आगा जी, बहुत स्वागत। पहले तो आपका जनतंत्र टीवी में सर मौका दूंगी आगे आपको। जल्दी से कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए पूरे मामले पर। आगा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आगा जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है धनंजय जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए कि बीजेपी शासित बाकी भी राज्य हैं उन पर लाउड स्पीकर को लेकर कब एक्शन होगा? अमनदीप जी, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, रिपीटेडली कह रहा हूँ और लगातार कह रहा हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात को, गाइडलाइन को फॉलो करते हैं और बिल्कुल फॉलो करेंगे। जो संवैधानिक चीजें हैं, संवैधानिक मर्यादा है, उसका पालन होगा और बिल्कुल लगातार हो रहा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। हम ये नहीं करें कि बंद कर दीजिए। बिहार, मध्य प्रदेश, ऐसे न जाने कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी सर अभी भी लाउड स्पीकर से अजान हो रही है, रात के 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर बज रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में लगातार काम हो रहा है। सर, क्या एक्शन लिया गया लाउड स्पीकर को लेकर मध्य प्रदेश? मैं ये कह रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश में लगातार काम हो रहा है, मंदिर से मस्जिद से जहां भी जो जरूरत ज्यादा डेसिबल का बज रहा है उसको उतारा जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है, वॉल्यूम को कंट्रोल किया जा रहा है। अब कोई मैजिक तो है नहीं कि एक रात में हो जाए, एक दिन में हो जाए, धीरे 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 धीरे। इसको सबसे बड़ी बात होती है मंदिर की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है, सरकार की नीयत क्या है, सरकार की नीतियां क्या है। ठीक है, उसमें ठीक है, आगे जी तक मेरी आवाज अब पहुंच पा रही है। आगे जी स्पष्ट कर दीजिए संजय भाई। ठीक है सर, आगे आप दोनों को मौका दूंगी मैं। सर, आगे आप दोनों को मौका दूंगी। ठीक है सर, आगे आप दोनों को मौका दूंगी। बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। आगे जी, कांग्रेस का स्टैंड जल्दी से क्लियर कीजिए इस पूरी सियासत पर और लाउड स्पीकर पर उठे बवाल को लेकर। आगा जी, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर से उनसे संपर्क टूट गया है। ठीक है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर बोलिए। हेलो जी जी सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ, जब इनकी बात आती है तब तो वो होगा, होता रहेगा, हो जाएगा, अब महाराष्ट्र में एक दिन में हो जाए, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे नहीं तो। सर बाकी भी मेहमान है, मुझे उनका भी रुकना है। कि सर आगे मौका दूंगी आपको, आगे मौका दूंगी सर, आगे मौका दूंगी, आगे मौका दूंगी। रुद्र विक्रम जी, क्या सिर्फ इस पर सियासत जारी है, असल मुद्दों को छुपाने की कोशिश की जा रही है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे राजनीतिक मंशा और फायदा क्या देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि अगर ये मान लीजिए असली मुद्दे नहीं है और सियासत इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए कर रही है कि असल मुद्दे छुपाए जाएं, तो विपक्ष इसमें उलझ क्यों रहा है? विपक्ष को उलझने की जरूरत क्या है? अरे वो ऐसा कर रहे हैं तो आप कर, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने किया, कोई बवाल हुआ? कोई घमासान हुआ? कोई बवाल नहीं हुआ। दो दिन में सारे लाउड स्पीकर उतर गए, मामला खत्म, दूसरा मामला शुरू। आप जो असली मुद्दे उस पर आइए, उस पर बहस करिए। लेकिन आप जो है, आप क्योंकि आप भी चाहते हैं, आपको भी मजा आ रहा है उसमें, ऐसा नहीं। नहीं, वो भाई आप उल्टा चश्मा लगा के बैठे, समाजवादी वाला चश्मा नहीं लगा रखा ना, इसलिए आपको उल्टा दिख रहा होगा। आप अपना सीधा कर लीजिए, समाजवादियों का चश्मा थोड़ा उल्टा होता है ना। नहीं, मैं सोच रहे कि आप क्या कह रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलिए कि आप ये क्या कह रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, अरे हम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसे जनता का मुद्दा नहीं मानती है। और जो मैं जो कह रहा हूँ, समझिए, हम जो है
और लोकतांत्रिक तरीके से किसी सरकार पे हावी नहीं हो सकते। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा ना, मैंने और क्या आप कहा इस बात अच्छा को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं, विश्लेषक बन के बैठे हैं आप। अरे बकवास मत करो, चुप रहो भाई, बोलने दो। क्यों नहीं भाजपा का बन के बैठते? पहले क्यों नहीं है एमएनएस के बैठते? इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल आप तो खुद ही तुष्टीकरण करते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलने दो सम्राट, बोल लेते तो मैं बोल रहा था हृदय सम्राट। सुनो, तुम बोल रहे थे तो मैं बोला सम्राट, ईसाई हृदय सम्राट, यही है तुष्टीकरण। रुद्र जी प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए। तो मैं बोल रहा था इनके जैसे लोग बैठ करके और ये जहर घोलते हैं। अरे तुम चुप रहोगे, मुझे बोलने दोगे? जब तुम बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था ना। प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। सर प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत करोगे तो तुम्हारी बदतमीजी उतार दूंगा। उसी लायक हो जिस इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करके आप दोनों ही खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए, तुम्हारी बत्तीसी बाहर हो जाएंगी। अरे अब देखो समाजवादियों का चरित्र दिख रहा है, देखिए समाजवादी कपीश जी इस तरह की बातें बोलकर आप खुद को एक्सपोज मत कीजिए प्लीज। कपीश जी जो आप लोगों की जो चेहरा छुपा हुआ ना दिखे वो आप लोग जो है बत्तमीजी जी उतार के दिखा देते हैं अखिलेश यादव। ठीक है, आप दोनों मुद्दे से भटकाने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि समाजवादियों का असली चेहरा ना दिखे। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता काफी देर से जुड़े हुए हैं। कपीश जी, रुद्र जी प्लीज इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए, इसको मंच मत बनाइए ऐसी शब्दावली का। आगर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए ये बीजेपी का षड्यंत्र है और बीजेपी ने एक सलीके से हर काम बांट रखा है। बीजेपी घृणा और नफरत की राजनीति के तहत उससे जो फसल उगती है ध्रुवीकरण, उसके सहारे देश के अंदर राजनीति कर रही है क्योंकि सारे मुद्दों पर फेल हो चुकी है। आज भी रेपो रेट का आप देखिए, रेपो रेट भी उन्होंने घटा दिया। आज अभी देखिए इस बढ़ती महंगाई जो आसमानी महंगाई है उसमें भी और महंगाई का एक तड़का लगा दिया। ये एक अंधी सरकार, एक निकम्मी सरकार, एक संवेदनहीन सरकार, एक निर्मम निष्ठो सरकार जिसको कुछ नहीं दिख रहा है। जनता को इसने भिखारी बना दिया, कटोरा जनता के हाथ में आ चुका है। महंगाई का विकास तेजी से सर मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करवाना क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये लाउडस्पीकर मुद्दा जो है ये एक ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है। अगर आप इस पे जाएं तो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट जो है उसके अंदर अगर आप देखें तो वो उसका मामला है। जैसे एयर प्रिवेंशन एक्ट जो एयर पोल्यूशन के अंदर 1951 का इस मोदी सरकार और तमाम जगह की बीजेपी सरकारों में जो नहीं हो पा रहा है वो भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा। उसको लेकर लगातार सर मैं सवाल पूछ रही हूँ लेकिन महाराष्ट्र में सर सुन लीजिए, महाराष्ट्र में अगर 135 मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर सुबह के वक्त की नमाज अदा की जा रही है लाउड स्पीकर से, तो उसकी जिम्मेदारी क्या फिर क्या राज्य सरकार की नहीं बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करवाए? देखिए ये मुद्दा देश के अंदर सभी राज्यों में बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको पालन कराना चाहिए। ठीक है, एक बात हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का मतलब समझिए, ये भारत जलाओ पार्टी है। ये बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दों पर फेल हो चुकी है। और एक उसने लाउडस्पीकर, कभी अजान को हनुमान चालीसा से लड़ाना, कभी कब्रिस्तान को शमशान से लड़ाना, अन्य विषय, ऐसे विषय जो मुद्दे नहीं होने चाहिए राजनीति के, उनको ये मुद्दे बनाकर उसके तहत अपनी रोटी सेक रही है। इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, ये टोटल विफल हो चुके हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विनाश एक साथ कर रही है, सबको बर्बाद करती चली जा रही है। आज देश के अंदर देखिए भुखमरी बहुत जबरदस्त फैल चुकी है, महंगाई सातवें आसमान पर विराजमान है, उसका भी ये विकास करती चली जा रही है। बेरोजगारी उफान पर है, लगभग मोदी सरकार ने 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया, 97% लोगों के आय में कमी हो गई, 23 करोड़ लोग जो हमारी कांग्रेस सरकार ने इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं उतर जाती? देखिए सुनिए, बोलिए जी, बिल्कुल हम मुद्दों पर हैं और हम मुद्दों पर ही इन्हें घेरेंगे। 23 करोड़ लोगों को जिनको कांग्रेस सरकार ने गरीबी से मध्यम वर्गीय में लेकर के, उन्होंने मेहनत करके लेकर के लोगों को आए, तो उनको 23 करोड़ लोगों को इन्होंने दोबारा गरीबी में डाल दिया। इस वक्त क्या है आप समझिए इस बात को,
ये वो मोदी सरकार हो और तमाम जगह की राज्य सरकार, अगर आप बीजेपी देखें, बीजेपी की सरकार है, ये जहां जहां चुनाव है वहां पर ये आग लगाना चाहती है, दंगा फैलाना चाहती है। ये भारतीय दंगा पार्टी है, ये भारत जलाओ पार्टी है। ये आप समझिए, ये जहां जहां चुनाव है ये लोगों को बांटना चाहती है, और इसका चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, क्योंकि पापी पेट का सवाल है। ये पापी है, ये देश के पापी है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से कि पापी पेट का सवाल है, पेट की बात करो, लोगों के छत की बात करो। तुमने कहा था किसानों को 2022 में तुम जो है पूरा जो किसानों के साथ उनकी जो है दुगुनी इनकम कर दोगे। तुमने क्या किया? बेरोजगारी की बात की तुमने, 2 करोड़ सालाना रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए खाते में देने थे तुमको, कहाँ है? अरे ये बात करो मुद्दे की, ये लाउड स्पीकर एक ध्वनि प्रदूषण, ये लोग मस्जिदों के कंधे पर बंदूक रखकर जनता तक नहीं पहुंचा पाती है। पिछले दिन के 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, वो देखा हमने, क्यों आप लोग अपनी बात फिर जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं? कपिल सिंह, यहाँ बैठे तमाम विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं की एक ही बात है कि जो जायज मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप भी इस बात से, सर आगे मौका दूंगी आपको, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। ठीक है सर, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए एक लाइन में। 10 सेकंड। ठीक, देखिए मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये लाउड स्पीकर मुद्दा देश का मुद्दा नहीं है। लाउड स्पीकर मुद्दा एक ये मस्जिदों के कंधे पर बंदूक रखकर ये मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। ये भारत के हिंदू विरोधी लोग हैं ये भाजपा के लोग। ये भाजपा का एक मुखौटा चेहरा है राज ठाकरे न्यूसेंस क्रिएट करते हैं इनको, राज ठाकरे जैसे व्यक्ति को और इन जैसी बात करने वाले लोगों का समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये मस्जिदों के कंधे पर ये बंदूक रखकर, ठीक है सर, बाकी मेहमान उनका भी मुझे रुकना है, कपीसी जागरण बंद कराना चाहते हैं, ये भारत के हिंदुओं के विरोधी हैं। ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। कपीसी, यहाँ बैठे जितने भी विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता है उनकी एक ही बात है कि जायज मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे क्योंकि आप भी विपक्ष में हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर किसी तरह का बवाल नहीं देखा गया, लेकिन जो जायज मुद्दे हैं, बढ़ती महंगाई हो गई या बढ़ती बेरोजगारी हो गई, वो अभी भी है। तो फिर विपक्षी पार्टियां कब उतरेंगी सड़कों पर? खास करके आप तो एक मजबूत विपक्ष है। देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी कल ही करके परसों 2 तारीख को समाजवादी पार्टी के जिला इकाई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी पर आंदोलन की है, तहसीलों का घेराव की है, जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपी है। देखिए हम लोकतंत्र के मूल्यों को समझते हैं, ठीक, हम अपनी आवाज समुचित स्थान पर उठाते हैं, हम दंगा फसाद करके और सस्ती लोग हासिल नहीं करना चाहते। ठीक, आज जो विधिक रूप से सरकार स्थापित है उसको काम करने का अवसर भी देना चाहते हैं कि वो अपनी कार्यशैली में सुधार लावे। हम एक बात ये कहते हैं कि अगर कोई रेगुलेशन सरकार कर रही है, रेगुलेट कर रही है, तो ये वही ना जांच करेगी कि कहां पर वैध लगा है, कहां पे अवैध लगा है। अब राज ठाकरे साहब अगर इस तरीके के कृत्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध नहीं करती है, उनको पुष्पित और पल्लवित करती है, तो इसके मतलब आप उन्हीं के साथ खड़े हो। वो तो इसलिए खड़े हैं कि वो राजनीति के मकबरे में चले गए और वो आपका सहारा लेके सेंधमारी करना चाहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, लेकिन आप तो उन्हीं के साथ खड़े हो, और अगर ना खड़े होते तो राजस्थान में इतना बवाल नहीं होता, इतना बवाल आपका जहांगीरपुरी में नहीं होता। अगर आप संविधान का बड़ा ख्याल करते हैं तो मुझे बताइए, जब आप बुलडोजर लेके निकले 9 बजे सुबह, तो 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने आप पे रोक लगा के लानत है या न क्यों भेजी? ठीक, और आप स्टेटस को कैसे लागू करोगे जिनको पहले गिरा चुके हो? तो ये सारी चीजें हैं, ये तानाशाह पूर्वक सरकारें जहां पर चला रहे हैं वहां बुलडोजर और लाउड स्पीकर को मुद्दा बना रहे हैं। उसका कारण भी यही है कि ये बेरोजगारी से, महंगाई से, आज ही देखिए होम लोन इतना महंगा हो गया कि आदमी घर नहीं बना पाए, उसका भी रेपो रेट ये बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर जी संक्षिप्त में दीजिएगा, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे है, 54 करोड़ लोगों ने नौकरी खोजना छोड़ दिया है, भूखमरी में 116वें नंबर पे इंडिया आ गया है। ठीक है, अब आप सोचिए ना कि जहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल हमसे अच्छी हैसियत रख रहे हैं, ठीक है सर, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये विपक्ष की खामी है कि वो उस तरह से मुद्दों को नहीं भुना पाता है जैसे कि बीजेपी जब विपक्ष में हुआ करती थी, वो काफी तेज, काफी बल के साथ में और काफी बड़ी संख्या में
कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते थे और मुद्दे को भुनाया जाता था, जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाती थी, लेकिन वैसे अब विपक्ष नहीं कर पा रहा है। मेरे पास वक्त की कमी है। इन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की सियासत की है, इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। ठीक है, लेकिन सर कहीं ना कहीं जनता तक बात पहुंचाना विपक्ष की भी जिम्मेदारी बन जाती है। विपक्ष की जिम्मेदारी, ठीक है सर, मेरे पास वक्त की कमी है। एक एक कर मैं सभी से फाइनल कमेंट लूंगी। सर मेरे पास वक्त की कमी है, एक एक कर मैं सभी से फाइनल कमेंट लूंगी। ठीक है सर, ठीक है, आस्था को कुरेद कर और हिंदुओं की सात पीढ़ी कब्र में गाड़ देना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, एक एक कर फाइनल कमेंट सभी से लूंगी। पीयूष जी आपसे शुरुआत, मैं दूंगी सर आपको मौका, प्लीज। देखिए अमनदीप जी, ये क्या नाम, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा, देखिए किसी आम जनता को कोई परेशानी नहीं थी, न तो अजान से परेशानी थी, न तो मंदिरों में जो बजता है उससे भी परेशानी थी। लोग अपना काम करते हैं, चलते हैं और चलाते हैं। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है कुछ परेशानी होती हो, कभी कभी होती हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी नींद भी उसी से खुलती है। वो घंटे घड़ियाल का काम भी करता है, वो घंटाघर का काम भी करता है, अजान करती रही है हमेशा। तो आम आदमी कोई परेशानी नहीं थी, ना किसी आम आदमी ने जाके PIL दाखिल करी है। वो ये सिर्फ और पॉलिटिकल मूव है जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उसका एक ही एजेंडा है। ये पूरी तरीके से क्लियर है कि देखिए जो हालात देश के हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि इनका एजेंडा है, जो RSS का एजेंडा है कि एक हिंदू राष्ट्र जो बनाना है इस देश को, किस तरह से उसमें जो है किसको पहले आपको अलग करना है, अल्पसंख्यकों को अलग करना है, दलितों को अलग करना है, महिलाओं को अलग करना है, ये पूरा का पूरा एजेंडा है इनका। कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, ये पूरा वही है सब उनका, उसको ये पूरा कर रहे हैं, सारा ध्यान इसी पे रख रहे हैं। इसलिए ये आलम है बेरोजगारी का, ये आलम है देश के हालात गंभीर होते चले जा रहे हैं, विदेशों में भारत का जो है बदनामी होती चली जा रही है। इनको चिंता नहीं है क्योंकि इनका एक ही और एक ही उद्देश्य है। अगर ये मंशा, ये बनाना सर इतना आसान नहीं है। रुद्र जी फाइनल कमेंट आपका। देखिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे लोग जो मोहम्मद कपीस यहाँ बैठे हुए थे, वो उन जैसा ये मुस्लिम तुष्टिकरण का वो करते रहेंगे, तुष्टिकरण की राजनीति करते रहेंगे, अपने जो मुल्ला प्रेम, मुसलमान प्रेम मोहम्मद कपीसी का है वो दिखाते रहेंगे, तब तक ये मुद्दे राजनीति में, यही मैं कहना चाहूंगा। अगर ठीक है, अरे तुम्हारा प्रेम किसका है ये भी तो बता दो। RSS का एजेंट तो नहीं है ये? जब कपीस श्रीवास्तव को बर्दाश्त करने की आपकी हैसियत नहीं है। अगर सर मुस्लिमों के खिलाफ प्रेम भी है तो मुस्लिम भी तो हमारे देश के नागरिक है ना, उनके प्रति प्रेम होना कोई गलत बात नहीं है। आप मोहम्मद मुस्लिम, मुस्लिम भी हमारे देश के ही नागरिक है, उनके प्रति प्रेम होना कोई गलत बात नहीं है। आगे से अपनी बात पूरी कीजिए और साथ ही फाइनल कमेंट आपका। इनका छुपा हुए नाम को आप बाहर लाएं, इसके नीचे लिखें RSS विचारक। सर आप सर फाइनल कमेंट जल्दी से दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है, बहुत संक्षिप्त में। आगा जी, हाँ आगा जी आप ही से बोल रही हो, जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। जी जी, ये कायस्तों के विरोधी हैं। देखिए मैं आपसे सीधी बात एक कहना चाहता हूँ, ये सपा के प्रवक्ता पर मैं चंद शब्द बोलूंगा, ये सपा के प्रवक्ता ये बताएं कि ये बुलडोजर का जो बुलडोजर लोगों के घर तबाह कर रहा है, तो इनकी पार्टी कहाँ है? कहीं पर ये जमीन पर नहीं। 120 सीट जीतने के बाद मुसलमानों का वोट इन्होंने लिया, आज मुसलमानों की तरफ देखते नहीं क्या? ठीक है ना, मैं सर अब तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है ना, अब वो वैसे भी सपा हुए, ठीक है सर, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है ना, अब आप सवाल पूछिए बीजेपी से। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। धनंजय जी फाइनल कमेंट बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। बीजेपी पहुंच पा रही है क्या? जी हां, इकबाल का एक तराना है मनदीप जी, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। किसी भी देश की दुनिया के मजहब को, किसी भी बाउंड्री को नहीं मानता। हाँ। और इसीलिए भारत का बंटवारा इस्लामिक सोच पे हुआ था, इस धर्म के आधार पर हुआ था। और दूसरी बात ये कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति का सपोर्ट करते हैं और उनके टुकड़ों पर पड़ते हैं। आप एक दूसरे पर आरोप लगाइए तुष्टीकरण का, ठीक है सर, एक दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाइए। कपीस जी बहुत समय जवाब आपका, एक फाइनल कमेंट, कपीस जी फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षिप्त में। सबसे बड़ा तुष्टीकरण का पार्टी कौन है? ठीक है कपीश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज संक्षिप्त में। कपीश जी से संपर्क टूट गया, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम राज्यों में लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति शुरू हुई थी, हालांकि कुछ राज्यों में थम भी चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में बवाल जारी है। आगे क्या कुछ ये राजनीतिक मोड़ लेगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।